हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एवन ज्ञान में आपका एक बार फिर से वेलकम है। हम आज जिस चीज़ का रिव्यू करने वाले हैं वो है खेतान एरो किंग का कूलर, जो कि मार्वल मॉडल है। इसकी क्या क्या विशेषताएं, हम तमाम जानकारी इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। अगर मेरे चैनल में आप नए हों तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और घंटे वाले बटन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। हमने कूलर को बॉक्स से बाहर निकाल लिया है, कुछ इस तरीके का दिखने वाला है और आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त लुकिंग है इसकी। वो टैंक कैपेसिटी इसकी 95 लीटर, इसमें आप पानी डाल सकते हो। सबसे खास बात तो आपको बताने वाला हूँ, साइड में जो जाली लगी हुई है, ये जो पेड़ लगे हुए हैं कुंभो, ये देख सकते हो आप, ये देखिए इसमें जाली लगी हुई है, इसे आप साफ कर सकते हो और वॉश करके वापस लगा सकते हो। हम आपको दिखाने वाले हैं, ये देखिए जाली इस तरीके से यहाँ से निकाल के आप, हम आपको पूरी निकाल के दिखाने वाले हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बाहर निकलने वाली है, ये देखिए इस तरीके से आप बाहर निकाल के इसे वापस वॉश करके और वापस फिटिंग कर सकते हो। वो ज़्यादा मेहनत नहीं होगी इसमें फिटिंग करने में। और हम आपको पीछे के साइड से भी दिखाने वाले हैं कूलर को, ये देखिए, ये देख सकते हो आप, ये पीछे से भी सेम सिस्टम है, सारा सिस्टम सेम है इसमें। और ये देखिए मॉडल नंबर कंपनी ने दे रखी है, एरो किंग कूलर, ये देख सकते हो आप। और अब हम आपको चारों ओर से घुमा के दिखाने वाले हैं। लुकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, लुकिंग अच्छी है इसकी। और ये एक कोने में सेट हो सकता है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है इसे। और ये स्विच दे रखे हैं, ये स्विंग का स्विच है, ये एयर का है, ये देख सकते हो, ये स्विंग के लिए जो हवा को इधर उधर काम में करने में काम में आता। और ये एयर के लिए, आप मीडियम लो हाई जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो आप। और ये वाटर के लिए है, जब आप पानी चलाना चाहो तब आप उसमें पानी चला सकते हो। और ये कंपनी द्वारा मिलता है वारंटी कार्ड। कूलर काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इसमें दिक्कत नहीं आती है। सबसे पहले आपको हम बात बताने वाले हैं, दिक्कत नहीं आती है इसमें बिल्कुल भी। और ये जो आपको दोबारा मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, ये टैंक कैपेसिटी इसकी 95 लीटर है और वाटर लेवल के लिए इसमें दिया हुआ है। ये आपसे आपको यहाँ देख के पता चल जाता है कितना पानी है कितना नहीं है इसमें। और स्विंग के लिए इसमें ये दे रखा है। और पंखुड़ी, इसकी जो पंखुड़ी ब्लेड है वो है एल्युमिनियम की, जो जल्दी टूटने वाली नहीं है। काफ़ी कूलरों में प्लास्टिक की आती है, वो जल्दी टूट जाती है, और इसमें एल्युमिनियम की ब्लेड दी हुई है, लॉन्ग लाइफ है इसकी। हम इसे ओपन करके इसके पार्ट्स दिखाने वाले हैं, किस तरह के पार्ट्स हैं और क्या क्वालिटी है, आप देख के समझ सकते हो। ओपन करने के लिए ज़रूरत होगी हमारे को एक पेचकस की, इस साइड से हमें खोलना। ये हैं, अब बारी आती है इसके लॉक की। ये दो लॉक दिए हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा पास में लेके आता हूँ। ये लॉक है, इन लॉकों को आप दबा के इसे ओपन कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, इस साइड ये कॉम्बो है, दो 2 इंच का है मोटाई इसकी, देख सकते हो इसकी मोटाई 2 इंच है। और ये देखिए साफ़ करने के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया है साफ़ करने के लिए इसमें बहुत अच्छी सुविधा है। हम आपको टोटल डिटेल देने वाले हैं, किस तरह की मोटर है और किस तरह का पंप है और किस तरह की पंखुड़ी है। पंखुड़ी इसमें अच्छी पंखुड़ी है, जो एल्युमिनियम की है और लॉन्ग लाइफ है इसकी। और ये जो मोटर है, मोटर भी अच्छी है, ये खेतान की ही मोटर लगी हुई है इसमें। पंप और मोटर दोनों खेतान के ही है इसमें। हम आपको जूम करके दिखाने वाले हैं इसका पंप। ये जो पंप है ये भी खेतान का ही है, ये देखिए खेतान का ही पंप है इसमें। और सबसे अच्छी जो सुविधा है इसमें वाटर टैंक की, वो 95 लीटर इसके टैंक कैपेसिटी है। और यहाँ से जो पाइप जा रहा है ऊपर,
ये पानी पहुंचाने में काम में आता है। और ये जो स्विंग मोटर है ये हवा को लेफ्ट राइट करने में काम में आने वाली है। और ये जो पाइप है यहाँ से जो पंप के अंदर से जा रहा है ऊपर, ये पानी को पहुंचाने का काम करता है। और ये जो बीच में लगी हुई है ये वाइब्रेटिंग ना हो कूलर, इसी वजह से लगी हुई है टैंक। और मोटर भी काफ़ी अच्छी है, पंखड़ी भी काफ़ी अच्छी है। उम्मीद है दोस्तों मेरे दी हुई जानकारी आपको अगर सही लगे तो मेरे चैनल एवन ज्ञान को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो तक पहुँचाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।